गाइज यार, वीवो जो है अपना अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो V26 Pro 5G इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, जो कम्प्लीटली एप्पल को टक्कर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसका लुक एंड डिज़ाइन बिल्कुल एप्पल की तरह आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीवो की तरह से ही अपकमिंग स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन का जो प्राइस क्या रहने वाला है, कब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, साथ ही साथ इस पर कौन कौन से कमाल के फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के हाईलाइटेड फीचर्स की, जो कि है इसका कैमरा। इस पे आपको जो है ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। लुक्स एंड डिजाइन कंप्लीटली आईफोन की तरह आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको जो है 200 मेगापिक्सल का बड़ा सा कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको जो है माइक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। नो डाउट दोस्तों, इस कैमरे की मदद से आप 8K रिजोल्यूशन तक के वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। साथ ही साथ यहां पर आपको जो है पंच होल डिस्प्ले के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सस्ता रहने वाला है। आईफोन की तुलना में कई गुना सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस जो रहने वाला है इसका 11,499 रुपये के प्राइस रेंज पर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के रिलीज डेट की, पर उससे पहले हम जानेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज और इसके प्रोसेसर के बारे में। तो डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। LDR10+ का सपोर्ट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि जो है लेटेस्ट प्रोसेसर रहने वाला है क्वालकॉम की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं इसके 5G कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको जो है 5G कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बट लीक्स एंड अपडेट की माने तो यहाँ पर आपको जो है 6G का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के इंडिया रिलीज डेट की, तो दोस्तों अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको इस स्मार्टफोन से रिलेटेड बताई वो सारी चीज़ें प्रेडिक्शन और स्पेकुलेशन के बेस पर आधारित हैं। पर लीक्स एंड अपडेट की माने तो ये स्मार्टफोन आपको जो है अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो यार, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर।